हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलएनटी की। वीएफडी है मेरे पास, इसका सीरियल देखिए, सीरीज देख लेते हैं। SX2000 है ये, SX2000 सीरीज की एलएनटी की ड्राइव है मेरे पास। ये 55 किलोवाट की ड्राइव है फ्रेंड्स, और ये इसका डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले ये देखिए लिखा है डिजिटल ऑपरेटर। ये DOB 200 इसका मॉडल नंबर है, इसकी LCP का। तो आज का फ्रेंड्स वीडियो का टॉपिक जो हमारा है वो स्टार्ट कमांड हमने 2 वायर के थ्रू देनी है, और जो फ्रीक्वेंसी रेफरेंस है वो रेफरेंस हमने 4 to 20 mA देना है, करंट देना है यानी कि। तो उसके सिलेक्शन के लिए हमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, कौन सा पैरामीटर करना पड़ेगा, और डिप स्विच की सिलेक्शन कहाँ पर कैसे करनी पड़ेगी, तो उसके बारे में आज आपको बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले टर्मिनल दिखा देता हूँ मैं आपको, उसके बाद फिर मैं डिप स्विच की सिलेक्शन दिखाऊंगा आपको। तो ये वाला जो 24 और P1 है फ्रेंड्स, ये 2 वायर के लिए है। ये मैंने आप पिछली वीडियो में भी दिखाया था आपको 2 वायर के लिए। ये देखिए 24, अगर सिलेक्शन इसका PNP पे है डिप स्विच का, तो डिप स्विच दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें 4 डिप स्विच दिए हैं फ्रेंड्स, ये डिप स्विच की डिटेल दी हुई है। ये देखिए 4 डिप स्विच दिए हैं। तो अगर NPN PNP वाला बताया था मैंने आपको 2 वायर वाला, तो वो ये वाला स्विच है इसके अंदर। तो ये देखिए ये वाला है, यहाँ पर लिखा भी है, मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ सॉरी आपको। तो ये देखिए, तो ये वाला ये स्विच 1 है। तो इसका सिलेक्शन अभी देखिए, ये लेफ्ट की तरफ है, तो ये इसका मतलब PNP की साइड है। ये देखिए लेफ्ट इधर है तो PNP की है, तो इसीलिए हमने 24 वोल्ट के सप्लाई दिया। अगर ये NPNP होता तो कॉमन वाली सप्लाई हम P1 में देते। आगे चलते हैं, ये वाला डिप स्विच है, डिप स्विच नंबर 2। ये वाला एनालॉग इनपुट का है हमारा, जो एनालॉग इनपुट I2 के लिए है ये फ्रेंड्स। ये I2 यानी कि करंट के लिए, तो ये लिखा भी है यहाँ पर, ये देखिए। तो हमने जो इसका सिलेक्शन देना है वो वोल्टेज देना है या मिलीएम्पियर देना है, तो इसका सिलेक्शन पहले डिप स्विच से करना पड़ेगा, तभी ये हमारी चल पाएगी। तो अभी सिलेक्शन हमने, ये देखिए यहाँ डिप स्विच की ड्राइंग दी हुई है, तो आई और वी अभी हमें आई की तरफ करना है अभी देखिए, और ये आई की तरफ ही है। ये देखिए यहाँ पर ये डिप स्विच का सिलेक्शन आई की तरफ ही है। और जो तीसरा डिप स्विच है ये एनालॉग आउटपुट के लिए है। एनालॉग आउटपुट हमें वोल्टेज में लेनी है या मिलीएम्पियर में लेनी है, करंट में लेनी है। जब करंट में लेनी है तो लेफ्ट की साइड, और वोल्टेज में लेनी है तो राइट की साइड। तो इस तरीके से हमने ये वाला जो है स्विच 2 वाला करंट इनपुट पे, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इनपुट करंट का, ये फ्रीक्वेंसी जो है देनी है हमें। तो इस तरीके से ये कनेक्शन देख लेते हैं इसका डिप स्विच के बाद। तो हमने 4 to 20 mA देना है फ्रेंड्स। ये मेरे पास सोर्स है, ये देखिए मेरे पास एक सोर्स है यहाँ पर, 4 to 20 mA का सोर्स है। हमने mA पे सेक्शन किया हुआ है और 4 mA दिए हैं। 4 का मतलब 0% इसको हमने फ्रिक्वेंसी की कमांड दी हुई है। तो प्लस लगाना है हमने I2 में, ये I2 में लगाया हुआ है, और कॉमन ये देखिए कॉमन वाला कॉमन में लगाना है। इस तरीके से इसके करंट के कनेक्शन हो गए, रेफरेंस के फ्रिक्वेंसी रेफरेंस के कनेक्शन हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं इसको। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रो स्विच है, मैं इसको ऑन करूँगा तो हमारी स्टार्ट की कमांड आ जाएगी। तो अभी यहाँ पर देखिए स्टॉप लिखा है STP, तो मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ। ये मैंने ऑन किया है, देखिए फॉरवर्ड की कमांड मिल चुकी है इसको, ये LED जल चुकी है यहाँ पर। ड्राइव हमारी रन की कमांड मिल चुकी है। अब रही रेफरेंस की बात, फ्रिक्वेंसी कैसे बढ़ाएंगे इसकी। तो ये सोर्स है मेरे पास mA सोर्स। तो फ्रेंड सबसे पहले हम पैरामीटर को सिलेक्शन कर लेते हैं। तो जो हमने फ्रीक्वेंसी रेफरेंस का जो पैरामीटर है वो बता देता हूँ मैं आपको। मोड की प्रेस करेंगे, ये मोड की प्रेस की मैंने इसमें, तो ड्राइव ग्रुप में जाना है, DRV ये लिखा है यहाँ पर, देखिए पास से दिखा दे रहा हूँ। तो DRV ग्रुप में ही जाना है। डाउन की प्रेस करनी है, तो 6 नंबर पैरामीटर आपका 2 वायर के लिए है ये वाला, जो कि हमने 2 वायर के लिए कर रखा है यहाँ पर। अगर ये कीपैड पे चलानी है तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी हमने सिलेक्टर स्विच लगाया हुआ है, तो इसको 2 वायर का F ये देखिए FX/RX वो, तो इस पर 2 वायर पे ही है। ये है फ्रेंड्स हमारा फ्रीक्वेंसी रेफरेंस। तो ये फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सोर्स है जो हमारा वोल्टेज किया हुआ है। वोल्टेज अगर आपको पोर्ट पे चलानी है तो वोल्टेज करेंगे। अभी हम आज चला रहे हैं करंट पे 4 to 20 mA पे, तो इसको सिलेक्शन भी हमें करंट पे ही करना पड़ेगा। तो एंटर की प्रेस करेंगे, तो
यहाँ पर डाउन की प्रेस करेंगे, डाउन की से हमें आई टू पे जाना है, ये आ गया आई टू, तो इस आई टू पे हमने एंटर कर देना है। एंटर कर दिया आई टू पे, देखिए सिलेक्शन हो चुका है और कमांड सोर्स हमारी इस पे आ गया टू वायर पे, टर्मिनल पे और टू वायर के थ्रू, और रेफरेंस जो है हमारा फ्रीक्वेंसी सोर्स करंट पे आ चुका है वो भी टर्मिनल के थ्रू। तो अभी एस्केप करके बाहर आते हैं। तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट कमांड करते हैं इसको। अभी देखिए हमारे यहाँ पे स्टॉप है, मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ सिलेक्टर स्विच के थ्रू। ये स्टार्ट किया मैंने, ये देखिए स्टार्ट की एलईडी जल गई है। यहाँ पर फॉरवर्ड भी आ गया है, फॉरवर्ड की कमांड इसको मिल चुकी है। अब रेफरेंस की बात आई तो रेफरेंस यहाँ पे हम इसको बढ़ाएंगे, 4 mA है, 4 का मतलब, मिली एम्पीयर का मतलब अभी 0 रेफरेंस है, बढ़ाएंगे इसको 6 mA करिए मैंने। देखिए मोटर घूम चुकी है हमारी, देखिए रेफरेंस भी बढ़ चुका है, 5.6 Hz हो चुका है, ये देखिए। अब इसको और बढ़ाते हैं, 8 mA करते हैं, 8 mA कर दिया, देखिए फ्रिक्वेंसी और बढ़ गई है, 11.8 यानी कि 12 Hz के आसपास आ गई है, मोटर हमारी स्पीड बढ़ चुकी है। 12 mA करता हूँ इसको मैं, 50% कमांड आ गया 12 mA का मतलब, तो देखिए फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है हमारी। तो ये देखिए 24 something आ गई है, अभी 50% हमने दिया है तो लगभग 25 के आसपास आ चुकी है हमारी फ्रिक्वेंसी, मोटर की स्पीड और तेज़ हो चुकी है। तो इस तरीके से मिली एम्पीयर के थ्रू हम इसको चला सकते हैं, रेफरेंस जो है हमने, अगर मान लीजिए आपको किसी PLC से रेफरेंस देना है मिली एम्पीयर में, तो ये कनेक्शन इस तरीके से होंगे। 4 mA कर दिया वापस मैंने, मोटर की स्पीड डाउन हो रही है, फ्रिक्वेंसी डाउन हो रही है, देखिए वोल्टेज भी डाउन हो रही है। तो उसके बाद हम मोटर को स्टॉप कर देते हैं, ये मैंने मोटर को स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाली एलईडी बंद हो जाएगी और स्टॉप की जल जाएगी, ये देखिए स्टॉप की जल गई है, मोटर हमारी स्टॉप हो गई है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये था हमारा रेफरेंस जो है हमने मिली एम्पीयर पे देना है, तो किस तरीके से देंगे